नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। फटकार फटकार फटकार, कब सुधरेगी सरकार? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आज दिल्ली सरकार को फटकार लगी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में हो रहे प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इतने प्रदूषण में बच्चों के स्कूल जाने पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों से ये बताने के लिए कहा था कि उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गठित आयोग के निर्देशों पर कितना पालन किया है। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आयोग के निर्देशों का राज्य पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार का ऐसा रवैया रहा तो कोर्ट अपनी तरफ से एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन भी कर देगा। वहीं इसके अलावा कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य जारी रहने पर भी केंद्र से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और उससे पहले केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य जारी रखने का बचाव किया। तो ऐसे में एक बार फिर से प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार ये लगी है। हालांकि आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है। तो दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। दिल्ली सरकार को कहा है कि स्कूल बंद कराएं, नहीं तो हम बंद करा देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को कहा गया है। साथ ही कहा कि कोर्ट में कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को कहा गया है कि कोर्ट में तो आप कुछ कहते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और करते हैं। और साथ ही कहा है कि बड़े तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा क्यों कराया जा रहा है? स्कूल क्योंकि एक बार फिर से खुल गए हैं, इसी को लेकर बात की गई है। साथ ही निगरानी के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि निगरानी के लिए किसी को नियुक्त करने की जरूरत है। और आपने कहा था कि स्कूल बंद और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले तो स्कूल बंद कर दिए थे और उसके बाद फिर स्कूल खोल दिए थे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में आज ये कहा गया है। साथ ही आपको बता दें के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली नहीं जल रही तो प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार पराली को लेकर भी दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि पराली जलने से इतना प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि पराली को आप पूरा दोष नहीं दे सकते। साथ ही आपको बता दें ये भी कि जुर्माना लगाना समाधान नहीं होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप वाहनों पर लोगों पर जुर्माना लगा रहे हैं, वो भी एक समाधान नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि प्रदूषण बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि प्रदूषण तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा कहां कहां पर खराब हो चुका है। तो ऐसे में ये आप ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में AQI जो है वो 409 पहुंच चुका है। गाजियाबाद की AQI की बात करें तो 398 यानी कि करीब 400 के पास पहुंच चुका है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में AQI 336 हो चुका है। अमरोहा में AQI 331 है। नोएडा में AQI 307 है। तो वहीं गुरुग्राम में AQI 306 पे है। तो आपको ये ग्राफ के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किन किन इलाकों में किस तरह से प्रदूषण का AQI लेवल जो है वो कितना ज्यादा है और कितने ज्यादा स्तर पर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अभी भी प्रदूषण को देखकर जो है स्थिति काफी खराब कहीं कहीं पर नजर आ रही है। हालांकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसको लेकर फटकार एक बार फिर से दिल्ली सरकार को लगी है। तो देखिए ग्राफ के माध्यम से हमने आपको ये तो दिखा दिया कि कहां पर प्रदूषण सबसे ज्यादा है, लेकिन अब आपको ये भी दिखाते हैं कि कहां पर प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। तो लखनऊ में आप ये ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि लखनऊ में AQI जो है वो 170 है, यानी काफी कम हो चुका है। यूपी के जौनपुर की बात करें तो वहां 172 है। फैजाबाद की बात करें तो वहां 177 है। और अगर गोरखपुर की बात करें तो 179 वहां पर है। साथ ही बरेली की बात करें तो 163 है। बाराबंकी में 154 है। तो ये ग्राफ के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किन किन जगहों पर ये प्रदूषण का स्तर कम हुआ है।